राम राम जी। स्वागत है मेरे योग क्लास में और यूट्यूब चैनल है योगा विद कमला में। और हमारी योग क्लास की सूक्ष्म व्यायाम शुरू हो चुकी हैं, सभी बहनें सूक्ष्म व्यायाम कर रही हैं और अभी आ ही रहे हैं हमारे साधक आकर। इधर से थोड़ा सा सूर्य की सर्वाइकल के, सर्दियों में सर्वाइकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबको अकड़ जाता शरीर, तो ये करें भाई धूप में आकर कर ले थोड़ा बहुत, हाथ पैर हिला ले सभी। हमारी मांसपेशियाँ है ना बिल्कुल अकड़ जाती है, अकड़ का बिल्कुल जकड़ का अकड़ का बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना, हाथ उठते हैं और चोटी भी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। स्टैंड पर कर रहे थे तो स्टैंड पर हमारा ठीक नहीं हो पाया। सूरज देखो गर्दन के व्यायाम हमारी रेखा बहन कर रही है। जब हम गर्दन को पीछे की तरफ करते हैं तो हमारे जो जबड़ा है सामने से दांतों को बीच के पीछे की साइड ले जाएंगे, ताकि हमारे जो डबल चिन है वो एकदम ख़त्म हो जाए और हमारी गर्दन सुराईदार हो जाए। और कोई भी जेवर पहनते हैं तो गले में अच्छा लगता है, जब गर्दन अच्छी निकल आती है ना तो दूर से ही सुंदर लगते हैं। योगी होते हैं उनका तो वैसे शरीर सुंदर होता है, एक्स्ट्रा फैट होता नहीं है, जो करेगा उन्हीं की होगी भाई। श्वास खाली करते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए राइट, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट। गर्दन को धीरे धीरे, और गर्दन की व्यायाम बिल्कुल आराम आराम से करनी होती है, ना कि तेज तेज, झटका बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जैसे बालों का गुच्छा होता हमारे सिर में, ऐसे ही हमारी नसें होती हैं गर्दन में, तो उनको बिल्कुल आराम आराम से। और वैसे भी देखो प्यार तो सब कुछ मांगता है प्यार तो हर एक को चाहिए है ना, प्यार की मारी तो दुनिया भागी भागी फिर है, पर जायज़ होना चाहिए ना जायज़, प्यार भी दुख कर दुखी कर देता है सबको, घर परिवार समाज को हमारे को कलंकित तक कर देते हैं। तो अपने गर्दन के व्यायाम धीरे धीरे, राइट कंधे पर फिर पीछे फिर लेफ्ट पर फिर ठुड्डी को कंठकूप में लगाना होता है बस। तो ऐसे सर्वाइकल है तो आगे ना करें, वो पीछे के पीछे सर्कल बनाते रहें, अगर स्वस्थ है तो पूरा सर्कल तैयार करें, क्योंकि सर्कल ये है ना सर्वाइकल के हैं, तो इसमें इस चीज़ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सावधानियाँ, बड़े बड़े फ़ायदे हैं, फ़ायदे बहुत हैं इस चीज़ के। जब करने लग जाते हैं ना योगा तो जब पता लगता है, जब दवाइयाँ छूटनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, हॉस्पिटलों के चक्कर छूट जाते हैं, डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट छूट जाती है, और हमारा जो पॉकेट मनी है वो भी बचना शुरू हो जाता है, कितने फ़ायदे हैं। तो ज़रूर करें भाई योग अभ्यास, अपने लिए ज़रूर एक 45 मिनट का समय तो ज़रूर निकालना चाहिए सभी को। वो हमारी बहन तो लगता है सिर धोखा आई है, खोल लिया है ना तो अपना हेयर हेयर भी सूख जाएंगे बाबा जी नजर आएंगे हाँ नहीं देखो भैया, नहीं नहीं आंवला यूज करती है ये बहुत ज्यादा, इनके काले बाल पोल खोल दी करी डाई कराई ठीक है छोटे 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 मजाक करो भाई, जब भी तो क्लास अच्छी लगेगी। सर्दी सर्दी क्या पहन लो, क्या जरूरत है मेहंदी लगाने की, ले भाई इनकी का सुनी होगी है मेहंदी लगवाने पर पैरों की सूक्ष्म व्यायाम शुरू होगी है भाई, देखो दोनों पैरों में प्रॉपर फासला, इतना कि अंदर करे तो अंगूठे मिल जाए, एक बार बाहर एक बार अंदर।
और जब हम पैरों को आगे खींचेंगे तो नीचे के अंगों को भी ऊपर की तरफ खींच लेंगे, दोनों को, प्रजनन अंग को, गुदा भाग को। और घुटने बिल्कुल नीचे लगने चाहिए, घुटने ऊपर ना उठें, कोशिश करें घुटने नीचे की दबा कर रखें। और ये जो हमारी पिंडलियाँ हैं ना, ये नरम नरम होंगी तो हमारा पेट भी नरम होगा। इसकी एक्सरसाइज होती है, पेट से संबंध है हमारी पिंडलियों का, न्यूट्रस से, पेट से, हमारा पाचन तंत्र से। दाएं बाएं करते रहें, हाँ बड़े से बड़ा जो जीरो सा बना ले, कोशिश करो। हाँ, श्वास को बाहर फेंकते हुए घुटने को पीछे खींचो। एक साइड हमारे है, दोनों पॉइंट होते हैं लीवर का और किडनी का, और दूसरी साइड होता है हमारा पाचन तंत्र का। सबसे पहले तो देखो योग अभ्यास में कपड़ों का, आसन का, कपड़ों का मायने रखा है। आप पेंट में थोड़ी दिक्कत करोगे, नहीं हो रही, फिर ठीक है। हाँ यू, अच्छा अच्छा लूज है, ठीक है, कर तो करो तो। पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पेंट में आप कर नहीं पा रहे हो, अकड़ रहे है ना पैर सारी, अकड़ रही। अच्छा अच्छा, हाँ ये बहुत कमजोर होगी, बहुत हंग्या, बढ़िया करा, किसी का तो हंगे तो बिना घटता के करा। गोदी में ले ले बच्चे को, बच्चा छोटे बच्चे को गोदी में ले ले इस तरह जैसे हाथ को। अरे ये देखो भाई घुटने का होश गया तो इसको अपने सिर का भी लगा लें, घुटने को जिससे जैसे हो उतना करें। बच्चे को गोदी लेते अंदर से अंदर बाहर से बाहर घुमाए। इनकी बातें चलती रहेंगी और हम इनके फायदे बताते रहेंगे एक्सरसाइज के। जो आप ठीक है ठीक लगे रहो फिर। हाँ हाँ अरे वाह ठीक है, करा करो ना फिर, वीडियो भी अच्छा बनेगा, क्लास में भी अच्छी अच्छा वो होएगा, सब कुछ आ रहा है। जितनी भी करोगे आप उतनी आएंगी। एडी में क्या लग गया? एडी हो रही है, सल्ला ले अल्लाह रखा। अच्छा, हाथों पैरों की सूक्ष्म व्यायाम, ये सब आप बड़े बूढ़ों को भी करवा सकते हैं। चारपाई में लेटे लेटे इनको उठने की जरूरत नहीं, जाडे में, बिस्तर में कर लो, पर ठीक रहो। धूप भी जरूरी है भाई, विटामिन डी। एक्सरसाइज करते रहें करते रहें, बातों के साथ योग अभ्यास होता है हमारा। बढ़ते हुए प्रदूषण में, दिल्ली का ऐसा मौसम साफ है, बिल्कुल नीला आकाश, आकाश नीला दिखाई दे रहा है एकदम, देखो नीला आकाश। तेज हवा चल रही थी कल, बिल्कुल प्रदूषण भाग गया है। गांव में देखा था कभी, बारिश होते थे तो तारे साफ नजर आते थे, नीला आकाश दिखता था। तो भाई ये सुख समयान हमारे हाथों पैरों के होंगे, तितली आसन, तितली आसन के भी बहुत सारे फायदे हैं भाई। जितने भी हमारे प्रजनन अंग से या गुदा भाग से जो भी बीमारियां होती है ना, वे सारियां ठीक हो जाती, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। और जो थाइज हैं हमारी, मोटी मोटी थाइज हैं, उनका फैट उतर जाता है, जंगाएं मजबूत होती हैं,
और हमारा जो साइड का फैट है कमर का, हिप्स के चारों तरफ, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। स्टैंड पर था पर अच्छे से वीडियो नहीं बन रही थी, मेरा तो रह जाता है, आराम करने आती है। धूप है तो पीछा फेर रखा है किसी नाम ना सामने ऐसे।